हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग रीजनल साइंस सेंटर जाएंगे जो कि देहरादून के प्रेम नगर में है, और उसके बाद हम लोग अगर टाइम से फ्री हो गए तो हम लोग FRI जाएंगे, और FRI से आने के बाद मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई के बर्थडे में भी जाना है। तो देखते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा रहता है, क्योंकि आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो चलो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को आज का देहरादून का वेदर दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं आशु अंकल और आंटी का और उनके बेटे तेजस का, जो कि जॉय और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और जब वो लोग आएंगे तब हम लोग निकल जाएंगे रीजनल साइंस सेंटर के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी अंकल आ चुके हैं तो चलो चलते हैं। वेदर अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत धूप नहीं है तो बहुत गर्म। जल्द अंदर बैठ गया। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रीजनल साइंस सेंटर पहुंच चुके हैं और अभी मम्मा टिकट लेने गई है टिकट काउंटर में। जब टिकट आ जाएगी हम लोग अंदर जाएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जॉय भी वहाँ पर खड़ा हो गया कि टिकट मिलेगी, हम अंदर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने टिकट्स ले लिए तो चलो अंदर चलते हैं। सुपर एक्साइटेड, सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे हैं। मैं भी बच्ची हूँ। चलो डायनासोर पार्क में। जॉय को इनसे डर लग रहा है। मेरा प्लान नाम है। आ रहा हूँ मैं। नहीं, आप कह रहे हो ये वेट नहीं कर रहा मैं। जल्दी दूसरा डायनासोर भी है यहाँ। चलो वहाँ पे है। कबूतर ड्रैगन आ गया। उसने बता दिया आपको कैसा है वो तेजस और जॉय। अब आगे एक बहुत बड़ा डायनासोर है। सो फ्रेंड्स, ये है ग्रेविटी चेयर। आप इसे किसी भी डायरेक्शन पुल करेंगे तो ये आपको गिरने नहीं देगी और आपका बैलेंस बनाए रखेगी। बहुत मजा आ रहा है इसमें, जैसे गोल गोल घूम रही है, पर इसे खुद करना है। सो फ्रेंड्स, ये है सिंपथेटिक स्विंग। मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे अगर मैंने तेजस के स्विंग को ऐसे मतलब पुश किया तो जॉय का स्विंग अपने आप ही मूव करने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। नहीं, तेज नहीं करूँगी। जैसा आप देख रहे हैं उसका अपने आप ही तेज हो गया। सो फ्रेंड्स, हमें झूला झूलते हुए देखकर आंटी और मम्मा का भी मन कर गया झूला झूलने का, और अभी मम्मा और आंटी दोनों झूला झूल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पार्क में मस्ती करने के बाद और झूले झूलने के बाद जब हम साइंस सेंटर की मेन बिल्डिंग में जा रहे थे तब हमें कुछ स्टैचूज दिखे जो कि इंडिया के फेमस साइंटिस्ट के थे। इसमें एक ये है देखने के लिए जो आपको ग्राउंड पे मिलता है, बेसिक साइंस का। इस तरफ ये गैलरी हिमालय की तरफ, तीन गैलरी के अंदर चार में देखने जाना है। दो शो होंगे, एक 3D मूवी का और एक तारा का। वो अनाउंस हो जाता है 3D मूवी ग्राउंड फ्लोर में। पढ़ना आता है आपको? पक्का। जिस भी चीज़ को देख रहे हो उसके सामने हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ो और फिर इंटर करो। चीज़ समझ नहीं आ रही तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट बॉल को देखो, बहुत छोटी है, मास्क भी कम है, ठीक है, तो कितना कोलिजन होने पे कितना ऊपर आएगी? बहुत कम आएगी, ठीक है। दो बॉल का नहीं, दो बॉल का, ठीक है। दो बॉल में कितना आएगा? थोड़ा ज़्यादा आएगा। क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों रेस्ट पे, ये दोनों मोशन पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है। थोड़ा ऊपर आए,
अब इसको देखो, ग्रीन बॉल है ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, ये होते रहे इनके नीचे दूसरी बॉल में ट्रांसफर हो गई ठीक है। और लास्ट बॉल के साथ छोड़ना, बस कंडीशन ये है कि वायर वाइब्रेट नहीं होनी चाहिए, अगर वायर वाइब्रेट हो गई जो इसका सपोर्ट है वही ऊपर जाएगा। और वो छोटी वाली सबसे ऊपर है। हेलो करो भाई, नीचे से ना वो ऐसा फील आ रहा है यही पे इसके। हां शाबाश। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं 3D मूवी देखने के लिए। बताओ कौन के कौन सा है, कौन वैक्स कौन सा है? ये है कौन वैक्स, ये कौन के, सॉरी कौन के, ये कौन के और ऊपर कौन और कौन वैक्स। अब थोड़ा पीछे जाओ, देखो कौन के में तुम उल्टा दिखोगे, कौन वैक्स में सीधा ऐसे ही है ना। कौन के में कैसे दिख रहा है, कौन के में उल्टा दिख रहा है और कौन वैक्स में सीधा, देखिए ये है कॉनवेक्स मिरर। इसमें मैं दूर जाऊंगी लेकिन मैं सीधी ही खड़ी रहूंगी, मैं उल्टी नहीं आऊंगी। मैं आपको अब कॉनकेव दिखाती हूँ। तो ये है कॉनकेव, अब देखना आप मेरे में मैं उल्टी आऊंगी, ये देखो मैं उल्टी हूँ, मैं भूत हूँ। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ। नहीं, मैं अपनी आवाज़ की
वोल्टेक्स इफेक्ट की वजह से क्रिएट होती है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम गए कलाइडोस्कोप देखने, जिसके अंदर जो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। सो फ्रेंड्स, इस साइकिल में जब हम पेडल मारेंगे तब जो हेड प्रेशर क्रिएट होगा वो ऊपर जाएगी। तो हम में से किसी से ये हो नहीं रहा था तो इसलिए हम पापा कर रहे हैं। बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये एफआरआई की मेन बिल्डिंग है जो कि 1906 में ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की थी। तो चलो अब अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स, जो एफआरआई की बिल्डिंग है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, तो चलो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये जो एफआरआई की बिल्डिंग है इसमें बहुत सारी मूवी शूट हुई है, जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 1 और स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर 2। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मेन बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं और अभी हम लोग उसके कॉरिडोर में घूम रहे हैं। और आप अगर इसकी वॉल्स देखेंगे तो ये ब्रिक्स से बनी है। बाय द वे, सारी वॉल्स ही ब्रिक्स से बनती है, पर इसका टेक्सचर जो है वो पूरा ब्रिक्स का है। और आप अगर इसकी रूफ देखेंगे तो इसकी जो शेप है वो मुझे बहुत अच्छी लगी।
और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग म्यूजियम से आ चुके हैं और आज हम लोगों ने खूब मस्ती करी और आज मैंने म्यूजियम में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी प्लांट्स के बारे में। और अभी यहाँ का टाइम ओवर हो चुका है तो अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं।